आज भारतवर्ष के लॉकडाउन का 11 दिन पूरा हुआ है और 10 दिन बाकी हैं। हिमाचल प्रदेश में हम कम्युनिटी स्प्रेडिंग रोकने में कामयाब रहे हैं, इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के तमाम जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 6 केसेस है कोरोना वायरस पॉजिटिव के, 3 केसेस पहले के हैं और उसमें अभी कोई समस्या नहीं है। 3 केसेस जो अंब तहसील के जो 3 जो तबलीग जमात के लोग जो पॉजिटिव होके टांडा अस्पताल में इस वक्त एडमिटेड है, इस वक्त 3 ही केस बचा है। बद्दी में एक इंडस्ट्रियलिस्ट लेडी कोरोना वायरस पॉजिटिव की वजह से पीजीआई में उसकी डेथ हुई है, लेकिन जहां डेथ होता है वहां चंडीगढ़ में इसको कंसिडर किया जाएगा और उस इंडस्ट्रियलिस्ट लेडी के फैमिली मेंबर्स मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए हैं और उसके रिलेटेड तमाम एरिया को हमने क्वारंटाइन किया है और इसमें कोई इस वक्त समस्या नहीं है। हमारा काम है ये चेन को ब्रेक करना, जहां जहां कोरोना वायरस केसेस होते हैं वही वही हम चेन ब्रेक करने में कामयाब रहे हैं। इस वक्त तबलीग जमात के कुल मिला के 257 लोगों को हमने क्वारंटाइन किए हैं और इसके अलावा हमने 15 मुकदमा जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया उनके ऊपर दर्ज किया है और 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। और मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं, सब लोग जो किसी भी धर्म के हों, बाहर से आए हों, तो डिस्क्लोज जरूर करें और क्वारंटाइन जो बहुत मुश्किल काम नहीं है और लेकिन आप समाज का भला कर सकते हैं, अपने आप का खुद का भला भी कर सकते हैं और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें। और एक बात हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप पुलिस को जरूर सूचना दे दीजिए, लेकिन अपने आप कानून अपने हाथ में ना ले। और सभी धर्म के लोग जो है आपस में भाईचारा बना के रखे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना या लड़ना उचित नहीं होगा। और एक बात हमारे नॉलेज में आया है, कुछ लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर का एडवाइस नहीं मानेंगे, अल्लाह हमको बचाएगा, या कुछ लोग कहते हैं भगवान के ऊपर हमें विश्वास है, हमारा भगवान हमें बचाएगा। हम कहते हैं कि एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, भगवान एक ही है और लोग अलग अलग नाम से भगवान को पुकारते हैं। आपको किसी भी भगवान के ऊपर विश्वास हो, हमें यह भी मानना है कि जो पूरा भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और अगर हम ये मानते हैं तो ये डॉक्टर का एडवाइस भी भगवान का ही मर्जी है। इसके अलावा सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने भी आदेश दिया है और अनुरोध भी किया है कि जो डॉक्टर का एडवाइस माने और कानून का पालना करे, इसलिए इस तरह की बातें ना करें। हम सबको डॉक्टर का एडवाइस मानना चाहिए और कानून का पालना करना चाहिए। एक बात मैं इस अवसर पर बोलना चाहता हूं, मैंने कल भी बोला था, ये एक सुनहरा मौका है जो बच्चों को ड्रग एडिक्ट से छुटकारा दिलाने का, और आप सबके ऊपर ये निर्भर है। सामान लाने के लिए जब कर्फ्यू रिलैक्सेशन पीरियड में आप बच्चों को बाहर ना भेजें, बाहर कहीं ना कहीं से वो ड्रग ले सकता है, खरीद सकता है, आपको पता नहीं लगेगा। और दूसरी बात, आप खुद ही जाए बाहर और बच्चों को क्वारंटाइन में रखे लगातार, बच्चों का सिम्टम ऑब्जर्व करें, बच्चों को पॉकेट मनी ना दे और बच्चों का जो बैंक अकाउंट से उसका वेरिफिकेशन करें, अगर बच्चों के नाम पे आपने बैंक अकाउंट खोला है, या बच्चों आवश्यकता पड़ने पर बच्चों का बैग वगैरह का तलाशी भी करें। आपका दायित्व है, आप हमेशा अगर उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मेनेस को रोकेगा, सरकार सप्लाई रिडक्शन कर सकते हैं, सरकार जो है क्रॉप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली अपने बच्चों को कंट्रोल करना आपके हाथ में ये सुनहरा मौका है। जॉन एफ केनेडी ने कहा, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, एस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। हम हमेशा ये ना पूछते रहे कि सरकार क्या कर रहा है इसको खत्म करने के लिए, लेकिन ये हम इंट्रोस्पेक्शन करने का वक्त आया कि हम क्या कर सकते हैं इस मैनेज को खत्म करने के लिए। ये सब आपके ऊपर निर्भर है। और टीचर्स का भी मेरा एक अनुरोध है, टीचर्स बच्चों के लिए इस वक्त खूब असाइनमेंट्स दे दें, वो कैसे भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या टेलीफोन करके, वो टीचर्स के ऊपर निर्भर है, लेकिन असाइनमेंट खूब देने से बच्चे
जो है बिजी रहेंगे और पढ़ाई में वो लगे रहेंगे, और इसमें बच्चों का फायदा रहेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सबके लिए जरूरी है। कुछ यंगस्टर्स सोचते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं है, अगर कोरोना वायरस आता भी हो तो हम इसको रेसिस्ट करेंगे। और यही अमेरिका में हुआ, यंगस्टर्स जो है वो पार्टीज करते रहे, सोशलाइज करते रहे और बोल्डली कहने लगे कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ, जब वो घर जाते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं या माँ बाप बुजुर्ग पेरेंट्स से मिलते हैं और या रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनको कोरोना वायरस लगा और जो एज्ड लोग हैं जो रेसिस्ट नहीं कर सकते उनका डेथ होना शुरू हुआ। यही भारतवर्ष में भी हो सकता है, इसलिए जो यंगस्टर्स कभी ये ना सोचे कि ये कोरोना वायरस उनको नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जो घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, और वहां जो बालकनी में कल इकट्ठा होना उस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग एक दूसरे के साथ मेंटेन करना चाहिए, और ये इससे जो घर के अंदर भी फैलने का चांस जो है वो कम होगा। जैसे बद्दी में जो केस हुआ, जो वाइफ को पॉजिटिव निकला लेकिन जब हमने हस्बैंड का टेस्टिंग किया तो वो नेगेटिव निकला, इसलिए ये संभावना है। और एक बात मैं और करना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी के अनुरोध है कि कल शाम को 9 बजे जो 9 मिनट के लिए प्रार्थना करना है, और इसके बारे में काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारा थिंकिंग पॉजिटिव है इसका असर पॉजिटिव रहेगा। एक किताब है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग या अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इस किताब को लिखा है नॉर्मन विंसेंट पीले नाम के एक क्रिश्चियन सेंट ने। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जो पॉजिटिव थिंकिंग में पॉजिटिव असर पड़ा है। आप इसको पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक सन्यासी समुद्र के किनारे पर वो मेडिटेशन कर रहा था, और वो पक्षियों की तरह प्यार भरा तरफ जो है प्यार भरा दृष्टि से देखता था। इसलिए जो सीगल बर्ड्स है उसके सर पर, उसके तई पर, उसके बाजू पर आके बैठते थे, जाते थे, बैठते थे, जाते थे। तो इसको देख के एक बालक ने उस सन्यासी से पूछा कि मैं एक पक्षी को पकड़ के अपने घर में पालना करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, मुझे एक पक्षी को पकड़ के आप दे दीजिए। तो सन्यासी ने बालक को मदद करने के लिए कहा कि कल सवेरे आप आओ, मैं एक पक्षी को पकड़ के आपको दूंगा। अगला दिन सवेरे सन्यासी उसी समुद्र के किनारे पर आके उसी जगह पर मेडिटेशन करना शुरू किया। उसके मन में ये की विचार था, जैसे ही सबसे पहले एक पक्षी आके उसके ऊपर बैठेगा, तुरंत अपने दोनों हाथों से उस पक्षी को पकड़ के वो उस बालक को देना चाहता था। इस इरादा से वो बैठा था, लेकिन एक भी पक्षी उसके ऊपर आके बैठा नहीं था। इसका कारण ये है कि जो उसका थिंकिंग पॉजिटिव था, प्यार भरा दृष्टि से वो देखता था, इस उस वक्त पक्षी पक्षी समझ गया और पक्षी समझ के उसके ऊपर आके बैठते थे। जैसे ही उसका इरादा बदल गया, नेगेटिव थिंकिंग हुआ, पकड़ने का इरादा हुआ, तो पक्षियों को पता चला और उसके ऊपर आके बैठा नहीं है। इसलिए हमारा थिंकिंग क्या है उस पर जो इफेक्ट होगा। अगर हम सब पॉजिटिवली सोचेंगे और साथ में हम सोचते हैं, प्रेयर करेंगे कि ये कोरोना वायरस दुनिया से मिट सकता है, अगर 130 करोड़ लोग जो है एक साथ ये प्रेयर 9 मिनट के लिए करेंगे, उसका जरूर पॉजिटिव असर होगा और इस मेनेस को कंट्रोल करने में हम कामयाब रहेंगे। इसलिए मैं दोबारा अनुरोध करता हूं, जो जो प्राइम मिनिस्टर के अपील को इस तरह क्रिटिसाइज करने की जगह इसका जरूर पालना करिए। हम इकट्ठे होके इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं और हिंदुस्तान से इसको भगाने का या दुनिया से इसको मिटाने में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद।